नमस्कार दोस्तों, वायलिन गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो गाना सीखने जा रहे हैं उसको वेस्टर्न में लंबाड़ा और इंडिया में सोच ना क्या जो भी होगा देखा जाएगा ये नाम से हम लोग जानते हैं। ये गाना बहुत ही आसान है, इसमें अगर आपने सिर्फ 3 लाइन बजा दिया वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए अगर आप अगर बिगिनर्स भी हो तो आपके लिए भी ये गाना बहुत ही आसान है। आप आराम से ये गाना बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये गाने का मेन स्केल है ए माइनर, लेकिन इसमें बी फ्लैट भी आता है और इंडियन क्लासिकल के हिसाब से इसमें ग ध और नी कोमल आएगा। तो आइए आपको ये ए माइनर स्केल भी बजा के दिखा देता हूं। और एक चीज ध्यान में रखने वाली बात, मैं आपको इंडियन क्लासिकल के हिसाब से इस तरह रखकर बजाकर दिखा रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो इसी को वेस्टर्न स्टाइल में भी बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसलिए आपको ऐसे रख करके दिखा रहा हूं ताकि आपको नोट्स आराम से सब पता चले। नोट तो सब सेम रहेंगे चाहे आप इंडियन क्लासिकल के हिसाब से बजाओ या तो वेस्टर्न में बजाओ। तो आइए हम इसका ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, और उससे पहले इसका स्केल देख लेते हैं कैसे बजाते हैं ए माइनर का स्केल। तो इसमें आएगा, देखिए, अभी इसमें मैंने बी नोट जो है शुद्ध बजाया है, लेकिन इसमें बीच में बी फ्लैट आता है। ठीक है, तो आइए हम इसका ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नोटेशन भी दिखाई दे रहे हैं और फिंगर्स भी मेरी दिखाई दे रही है, तो आप ये गाना बहुत ही आसानी से बजा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। ये शुरू होगा यहाँ प से। सोचना क्या प म ग रे सा नी, इसमें ग और नी कोमल आ रहा है। ठीक है, और ध भी कोमल आएगा। जो भी होगा सा ग रे सा, देखा जाएगा निसा पमा पमा प। आप चाहे तो ओपन प बजा सकते हो या तो फर्स्ट फिंगर से। इसको 2 बार बजाना है ये लाइन को। सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, कल के लिए म म म ग म ध, आज को ना खोना म म म ग म ध। सेम आज ये नकल आएगा सागरे सा नी नी सारे सारे सा। इसमें आप रे छोटी फिंगर से भी बजा सकते हो, आइए दिखाता हूं। बस हो गया गाना, कुछ नहीं है, यही चीज हमने बार बार रिपीट करना है। हो गया आपका गाना। दोस्तों, इसमें जो सेकंड और थर्ड अंतरा है इसमें सिर्फ लिरिक्स चेंज हो रहा है, लेकिन नोटेशन सेम है, इसलिए आपको सेकंड और थर्ड अंतरे के नोटेशन बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला जो अंतरा है उसी के नोटेशन आप बजा देना। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, मेरे को कॉमेंट्स करके जरूर बताए, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।